बिहार में बड़ा खेला हो रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे बिहार और पूरे देश में तहलका मचाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार के हर एक कोना में पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, आज छपरा पहुंचे हैं महाशय, और पहुंच के किस तरीके से गुस्सा फूटा है। कई सारी एम्बुलेंस ऐसी ही पड़ी मिली, और राजीव प्रताप रूडी पे किस तरीके से वो हमलावर तेवर अख्तियार किए हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट आशा एक भारत पर। जरूर बताइए ये सारी एम्बुलेंस कितने लोगों की जान बचा सकती थी। अगर ये एम्बुलेंस ऐसी पड़ी है तो ये किसकी लापरवाही है, जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहां पप्पू। एक महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की, मृत और आत्मुग्धि सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण, कंस और यजीद से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहां भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहां भेज दिया गया। ये यहां 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहां क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है, और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं, और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है, जब 7,000-12,000 रुपया एक किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया। ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेट जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे और ये लगे क्यों प्रतिनिधि घर में बैठे हुए? आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।